वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। देहरादून सीमा समाप्त, यहाँ पे उत्तराखंड भी समाप्त हो रहा है। ये उत्तराखंड राज्य से अब हम हिमाचल 50 किलोमीटर, हाँ हिमाचल प्रदेश में जा रहे हैं। अब उत्तराखंड, देहरादून का वो सिटी लिखा हुआ है लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट, ये भी देहरादून ही था। अच्छा। अब ये डिस्ट्रिक्ट भी खत्म हो गया, अब यहाँ से शुरू होएगा पुल क्रॉस करके हिमाचल प्रदेश। और वो पांवटा साहिब गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप रुक सकते हो, खाना खा सकते हो और घूमने आ रहे हो तो दोबारा से बोलो। इस वीडियो में देखना आप कैसे रुक सकते हो, हम सब बताएंगे आपको। ये वीडियो में पूरा दिखाएंगे, मजा आएगा, चलो शुरू करते हैं। पास से ज्यादा अच्छा लगेगा। ये देखो, जहाँ जहाँ पे हिमाचल में एंट्री होती है ना वहाँ पे ऐसा गेट लगा रहता है। तो यहाँ पे उत्तराखंड से हम हिमाचल में एंट्री हो रही है तो लिखा हुआ है देवभूमि हिमाचल आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है, महाराजा अग्रसेन द्वार। ये है हिमाचल में एंट्री, उत्तराखंड से हिमाचल में एंट्री पांवटा साहिब की तरफ। और यहाँ से ये रास्ता तो जा रहा है, ये है पांवटा साहिब के लिए। ये देखो, ये लिखा है गुरुद्वारा श्री पांवटा साहिब पैदल मार्ग का रास्ता है ये वाला, तो इसी में जा रहे हैं हम। आ जाओ पैदल मार्ग रास्ता से अंदर चलते हैं। नदी के किनारे किनारे है ये, जैसे यमुना के किनारे किनारे है जैसे एंट्री करते हो। चलो भाई, गुरुद्वारे पे पहुंच गए हम, देख के बताते हैं आपको यहाँ पे रहने के लिए पैसे लगते हैं या फ्री में है या कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या फॉर्मेलिटी है, अंदर जाके बताता हूँ मैं। सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, ये पुल है जो क्रॉस करके आए हैं और यही डिवाइड करता है, वो उत्तराखंड है ये हिमाचल है, उस साइड पर उत्तराखंड है ये हिमाचल है। और यहाँ पर हम बैठ के ये गुरुद्वारे में हमने अभी खाना खा लिया, लंगर, और उसके बाद चाय पी लिया, अब यहाँ पर आके रेस्ट कर रहे हैं। देखो ये सुंदर से खेतों में से हम होते हुए जा रहे हैं एक होस्ट के यहाँ पे पांवटा साहिब में। भी हमें गुरुद्वारे में रुकने की जरूरत नहीं है, ये कोई फेमस ठीक आ गई, ये कोई फेमस स्कूल है। इसी के सामने ये खेती है, मस्त मस्त खेत है यहाँ पे, आगे सीधे जाना है हमें। हमारे होस्ट हो गए यहाँ पे भी, देखो वैसे आप गुरुद्वारे में भी रुक सकते हो। ये देखो अभी ये वाली खेती चली थी, अब देखो गन्ने के खेत आ गए, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है ना वहाँ पे गन्ने के खेत होते हैं। वाह क्या जिंदगी है, और गन्ने के खेत देखो, ये अभी देखो इनके बंडल बना दिए हैं, तो ये बंडल बने हुए ऐसे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े बंडल होते हैं। वाह, दिखाऊं के पास से गन्ना, ये देखो ये पूरा प्योर गन्ना है, ये देखो, अरे पूरा प्योर गन्ना है देखो, मीठा पता नहीं कौन सा, काला होता है, काला पूरा होता, हाँ काला तो नहीं होता भाई यहाँ पे, ब्राउनिश काला होता है, नहीं नहीं काला तो नहीं होता भाई, बढ़िया होता है यहाँ पे ये काला भी बढ़िया ही होता है पता नहीं, गोरा भी बढ़िया ही होता है। चलो आगे आ रहे हैं, वो भाई पहुँचने वाले हैं भाई, विक्की भाई के पास यहाँ पे हम पहुँच गए हैं। और विक्की भाई भी ट्रैवलर है, विवेक भाई नहीं, विक्की मेरा शॉर्ट नेम है वैसे। अच्छा, आपके व्हाट्सएप पे देखा था मैंने, विक्की लिखा था। और देखो यहाँ पे खेतों के बीच में रहते हैं, वाव वो देखो पांवटा साहिब। यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा पड़ता है, कुरुक्षेत्र का, यमुनानगर का बता सकते हैं, यमुनानगर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। वैसे जो सबसे बड़ा है वो देहरादून, वो देहरादून वाला जॉली ग्रांट वाला। अच्छा, और एयरपोर्ट भी वही है। अच्छा। मैं देहरादून का है और दूसरा है चंडीगढ़ के पास वाला। अच्छा, तो इनके यहाँ पे आए हैं हम भाई, ये इस तरह की कॉलोनी है, पूरे खेत वेत और खेतों में कटी हुई कॉलोनी बना हुआ है, ये कॉलोनी मस्त जगह है, यार सोचो आप विंडो खोलो और ऐसे हरे भरे खेत आपको दिखाई दे, आगे तो गन्ने के भी खेत थे, बड़ा मजा आया यहाँ पे आने में, मेरे को ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती है। देखो सामने बगुले, ये देखो कैसे उड़ के आ रहा बगुला, वाह क्या लोकेशन है यार, पहाड़ है पीछे पीछे ना, पहाड़ है हमारे पीछे, पहाड़ भी है, वाह। ये देखो ये दरवाजा खुल ले और इनके घर के बाहर ही ये देखो खेत है, ये बिल्कुल खेतों के बीच में, क्या क्या डाला है, गेहूं अभी गेहूं हुए हैं। अच्छा, पहले गन्ने थे, हाँ गन्ने अभी पीछे हो गए हुए हैं, गन्ने यहाँ से पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे, अभी धुंध है वरना पहाड़ों से घिरा हुआ है। चलो अंदर चलते हैं। ये देखो यार क्या मस्त सनसेट हो रहा है यहाँ पे, इस वाले घर में रुके हुए और यहाँ से ये नज़ारा दिखाई दे रहा है, पीछे भी खेत। और अभी हम दूध लेने गए थे, दूध चाय, चीनी चाय पत्ती,
वहाँ पे कहीं गए थे हम अंदर से पूरी कॉलोनी से होके, और अब यहाँ पे हम चाय बना रहे हैं। देखो सरस्वती चाय बना रही है, यहाँ से दिखाता हूँ। चाय पत्ती लाए हैं, अदरवाइज वो निकलने वाले हैं गुजरात, उनका ट्रांसफर हो रहा है गुजरात में, तो 4-5 दिन में वो गुजरात चले जाएंगे। तो पूरा घर उन्होंने है ना दूसरे तो इसके लिए उन्होंने सारा मतलब किचन में पूरा खाली कर दिया है। हाँ। और ये वाला पूरा पैक कर दिया था किचन, ये कमरे में इन्होंने पूरा सामान भर रखा है। अभी मतलब 4 दिन में वो निकलने ही वाले हैं यहाँ से, पूरा का पूरा वाइंड अप कर चुके हैं। हमारे लिए अभी ये सब सामान लेके आए चाय बनाने के लिए, तो चलो चाय, ये सरस्वती चाय बना रही, चलो अंदर चलते हैं हम भी। ये देखो ये डीकैथलॉन वाली चप्पल है जो मैंने पहन रखी है, ये घर है, यहाँ पे रुके हुए हैं हम, और ये सरस्वती चाय बना रही है। हाँ, हाँ। खेत है तुम्हारे पीछे दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे सर के ऊपर। अच्छा, अच्छा। हाँ, बनेगी, बढ़िया बनेगी। अदरक भी डालना प्लीज, अदरक इलायची डालूंगी, ठीक है। विक्की भाई ने तो यहाँ पे पूरा सेटअप पैक कर दिया था, तो अब खाना खाने अभी बाहर की तरफ जा रहे हैं। कहाँ पे जाएंगे? बीकानेर जाएंगे। बीकानेर, अच्छा वही चौक पे, वो चौक के पास है वही। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये देखो भाई, अंधेरा हो गया खेत में, खेत में अंधेरा हो गया है, ठंडा भी है ठीक ठाक। हाँ ठंडा भी अच्छा है। और लड़कियों को रेडी होने के लिए वक्त लगता है ना, मुझे अभी इतना रेडी होने के लिए भी 5-10 मिनट लगे, उसको भी इतना बोल रहे हैं। क्या बन रहा है? जलेबी बन रहा है। जलेबी नहीं, दूसरा बोलते हैं ऐसे कुछ, क्या बोलते हैं? इमरती। इमरती, अच्छा। डिजाइन ने बनाया इन्होंने। गरम-गरम पैक करा। चलो भाई रात में डिनर करने हम यहाँ पे आ गए थे, और यहाँ से अब हम घर पे जाके चाय बनाएंगे, वॉक करके ही आ गए थे हम, तो घर पे जाके मस्त चाय बनाएंगे अभी। देखो रात में भी कितना अच्छा ले रहा है, देखो बिना लाइट के, कोई लाइट नहीं है यहाँ पे, फिर भी देखो बताओ, iPhone 12 Pro Max की ज्यादा अच्छी आ रही है या इसके चैनल पे अच्छी आती है बताना। वो भी है, फ्रंट कैमरा है मेरा, फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरे से तो और अच्छी आती है, फ्रंट कैमरे से इतनी अच्छी आ रही है। मैं बहुत सारे लोग पूछते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, मैं अभी जो रिसेंट के फ़ोन है ना, ये इतने एडवांस है कि आपको यही लेना चाहिए आईफोन, अगर व्लॉग करते हो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा भाई, बहुत इजी भी है, इजी। तो रात में हम यहाँ पे घूमने आए हैं यमुना घाट पे, यहाँ पे मैं अभी वॉशरूम यूज़ करने गया था गुरुद्वारे में। क्या बात बता रहे हो अभी तुम, तो वहाँ पे देख के अभी क्या डिस्कस कर रहे थे? हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो मिट्टी आ रखी है ना, मिट्टी, हाँ, ये सारी यमुना जी की मतलब बरसात के टाइम पे, इधर इधर देख के बताओ। हाँ। हाँ, ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, हाँ, ये वाला पेड़, ये वाला, हाँ, पूरा उधर दिखाओ पेड़, आसाम में, हाँ, ये पेड़ के तक पूरा पानी आ चुका था, ठीक है, ऊपर टॉप तक, बारिश का मौसम, बारिश के टाइम पे, अभी ये ड्राई जितनी मिट्टी आ रखी है सारी, सारी मिट्टी उसी की वजह से आ रखी है। अच्छा, भाई यमुना घाट पे हम घूमने आए, तो भाई यहाँ की वो बता रहे की पानी कितना कितना पूरा भरा हुआ था पेड़ तक, पानी, और इस बार बर्फ भी नहीं पड़ी तो पानी ज्यादा कम हो गया। तो हम नीचे जाएंगे नदी में अभी, चलो चलते हैं, शाम को अच्छा लगता है ना। हाँ यार, आप भी आ जाओ। हाँ, यहाँ पे आप रुक सकते हो, यहाँ पे मैंने दिन में बताया था कि आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे आप रुक सकते हो। क्या है? चांद भी दिख रहा है, आईफोन में ज़ूम करके बता सकते हो। हाँ, अब नदी के अंदर उतर रहे हैं हम भाई, ये जिंदगी के मजे हैं। देखो हिमाचल में अभी हम, आज से अभी से 6 घंटे पहले तक हमें पता नहीं था विवेक जी कौन है। हाँ, हम यहीं पे बैठे थे, हम यहीं पे बैठे थे, और 6 घंटे में देखो हमारा एक नया अनमोल रिश्ता बन गया है। हाँ, अब ये हमें घुमा रहे हैं पोंटा साहब, अभी डिनर कराया, आप घुमा रहे हैं। और ऐसे रिश्ते के लिए राखी है, ऐसा कोई नाम भी जरूरी नहीं है, राखी बांधना हो या ऐसा, वो एक अटूट रिश्ता बन जाता है लाइफ टाइम के लिए। आप भी निकलो इसके लिए, कहती हूँ भारत के साथ होता है, ट्रैवलर को समझ पाएगा। और ट्रैवल करने से ही बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, ब्लड खून का रिश्ता तो खैर हम गिन सकते हैं, जो बिना खून वाला रिश्ता होता है ना, वो बहुत अनमोल और बड़ा होता है। बहुत बड़ा रिश्ता है। अब नीचे उतर रहे हैं, हम नीचे उतर गए घाट पे बस। वाओ,
ये हमें समझा रहे हैं यहाँ पर, पूरा सब कुछ बता रहे हैं कैसे कैसे होता है यहाँ पे। कमाते हैं उससे भी। क्या बताया सरस्वती, इन्होंने अभी क्या बताया, इधर देख के बताओ। जैसे ये मिट्टी है ना सारी, ये नाइट में ना ट्रक लोड होता है, फिर यहाँ से सारी मिट्टी भर के लेके जाएंगे और मकान के लिए यूज करते हैं। पता है मुझे, वो तो सारी नदियों में होता है, मिला जुला होता है सब। गोवा में तो पहाड़ गायब कर दिए थे, गोवा में पहाड़ गायब कर दिया था। चलो अब सुबह सॉरी अब रात में, अब हम ये दूध है या लस्सी है? लस्सी नहीं, दूध है, मतलब गर्म दूध बोलते हैं, अच्छा होता अच्छा। है अच्छा। इसमें क्या डाला? बूरा, गर्म दूध होता है यहाँ पे, ऐसे कुल्हड़ में देते हैं ये, शायद यहाँ का फेमस है ये, तो बड़ी सी कढ़ाई होती है, बनाएंगे मलाई डालेंगे। अच्छा, मलाई टेस्ट अच्छा होता है, ये दूध होता है यहाँ पे, ये मलाई वाली दूध पी रहे हैं अभी रात। आप पीते हो यहाँ पे क्या? रात में आता हूँ। अच्छा, मतलब जब जब मौका मिलता आता ही आता हूँ, अच्छा लगता है। ये यूनिक हो गया हमारे लिए, इनको ऐसे लगता होगा ये तुरंत दो दो कैमरा लेके खड़े हो जाते हैं। वो देखो कर दिया। ये देखो हमारा दूध रेडी हो गया। ये क्या है भाई? बूरा मतलब जैसे नारियल का पेड़ होता है ना, पाउडर जैसे नहीं होता, हमारे बादाम काजू उनको पाउडर बना के वो डालते हैं। अच्छा, अच्छा रहता है ऊपर टेस्ट डालने के लिए। ये देखो ऊपर से किसमें हो जाएगी उसके अंदर। अरे बादाम डल गया भाई। आप कहाँ से हो? लखीमपुर। लखीमपुर, अच्छा आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? वो देख रहे वीडियो बना रहे ना। तो कभी वीडियो नहीं बनाया ना किसी ने। वो देख रहे हैं दूध की भी कोई वीडियो बनाता है क्या? और इतने एंगल से। इसमें डालना ना भूल जाए। ये देखो हमारा दूध रेडी हो गया है, एकदम गरम। इतनी ठंड में हम अभी हैं पांवटा साहिब गुरुद्वारे के बाहर और हम चलो भाई, वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। अब हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर की तरफ, पांवटा साहिब से जा रहे हैं, धनौल्टी की तरफ जाएंगे। आज हम रुके थे विक्की भाई के साथ यहाँ पे, और ये इस वाले घर में रह रहे हैं अभी, बल्कि लास्ट डे ही है लगभग इनका, अभी ये भी निकलने वाले हैं। हाँ, दो तीन दिन बाद ये भी शिफ्ट हो जाएंगे अहमदाबाद, गुजरात में चले जाएंगे वापस। और ये खेत वेत क्योंकि हम कर रहे हैं यहाँ से बाय बाय, क्या सुंदर नज़ारे दिखाई दे रहे हैं मेरे को, तो और रहने का मन कर रहा है यहाँ पे। लेकिन हम जाएंगे धनौल्टी, क्या रास्ते हैं देखो, पूरे खेत वेत कटे हुए हैं ना, ये पूरी कॉलोनी खेत में से कट के बनी है। मेरे को तो मज़ा आएगा ऐसे जगह पर रहने में, और वाईफाई वगैरह हो बस, फिर पूरा काम हो जाएगा। इवनिंग वॉक निकलो ऐसे। अभी धनौल्टी की तरफ यात्रा शुरू कर रहे हैं हम सुबह 8 या 9 बज गए हैं शायद। बाय बाय।